एक अहम सवाल, पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा? वजारत आला के लिए तीन नाम सामने आ गए। इन तीन नामों में राना इकबाल, बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान वजारत आला की उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जानेंगे। एडिटर फोरम 92 न्यूज राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, बताइएगा, अगर शहबाज शरीफ चले जाते हैं वफाक में, वजीर आजम बनने के उम्मीदवार हो जाते हैं, तो यहाँ पर कौन वजारत आला की दौड़ में शामिल होगा फिर? लेकिन इस वक्त वजारत आला की दौर में जो तीन नाम शामिल है उसमें राना इकबाल जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, वजीर कानून जो है राना सनाउल्लाह और वजीर एक्साइज जो है मियां मुश्तबा शाहरमान। हमारे जिले का कहना है कि मियां मुश्तबा शाहरमान और राना इकबाल जो है इनको ज्यादा फेवरेट देखा जा रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के ऊपर एक FIR भी थी और राना सनाउल्लाह के नाम पर जो है वो बड़ी चीखो पुकार पड़ेगी पंजाब असम्बली के पंजाब में, वहां पर जो है अवामी तहरीक भी इसमें शोर मचाएगी और दीगर हल्के भी जो आएंगे और फैसलाबाद की एक अहम शख्सियत जो मियां नवाज शरीफ के करीबी अजीज हैं उन्होंने भी सवाल ऐसे वाजे गए कि अगर इनको वजीर आला बनाया गया तो वो भरपूर तरीके से इंतजाम करेंगे, वो पार्टी को छोड़ भी सकते हैं और उनको और दीगर मामला भी इससे हो सकते हैं। इसलिए इस हवाले से राना इकबाल और मियां मुश्तबा शाहरमान जो है इनके नामों को ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों वो शख्स हैं जो पहले दिन से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नून के साथ और मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे।